समीर जी कहती हूँ, हरमन जी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। हाँ तो मुझे उसकी बराबरी करनी भी नहीं है सौम्या। तुम्हें अपनाना तो दूर की बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा हरमन धोखे में रह सकता है लेकिन मैं नहीं, मैं एक मर्द हूँ। मर्दानगी किसी से नफरत या घिन करने में नहीं होती है समीर जी, बल्कि उसकी कमियों को अपना कर उसे प्यार करने में होती है। हरमन जी ने मुझे बिना किसी लालच और निस्वार्थ भाव से अपनाया है, इसलिए तो मैं उनकी जोगन बन गई हूं। पर समीर जी, धोखा सिर्फ आपको नहीं हुआ, मुझे भी हुआ है। अब तक मैं यही सोचती थी कि आप बहुत बड़ी सोच वाले हैं, किसी के साफ मन को देखकर आप उसकी मदद करते हैं। धर्म, जाति, नस्ल, इन सब पर आप भेदभाव नहीं करते, इसीलिए शायद आपने मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे काम दिया। मैं सच में ये सोचती थी कि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन आज जब मेरी सच्चाई आपके सामने आई तो आपने तो मुझे एक पल में ही ठुकरा दी। एक इंसान होने के नाते कम से कम ये तो मत कहिए कि आपको मुझसे घृणा आती। एक हरमन जी है जो मुझे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी घृणा के प्यार करते हैं। आंटी जी, आप गंगा जल से अपना घर धो लीजिएगा, आपकी नफरत जायज है। पर एक बात याद रखिएगा, एक किन्नर वो भी किसी माँ की कोख से जन्म लेता है, किसी नाली का गंदा कीड़ा नहीं होता। हमें भी उसी भगवान ने बनाया है, जिस भगवान के आगे आप रोज प्रार्थना करते हैं। हम में भी वही दिल, वही जान और वही आत्मा है, इसीलिए एक इंसान होने के नाते कभी भी दूसरे इंसान से ये मत कहिएगा कि आपको उससे घिन आती है। वरुण, अब तो मुझसे निवाला भी छीनेगा। ससुर जी, ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है ट्रेलर। अगर आपने अपनी बेटी को डीएनए टेस्ट के तैयार नहीं किया ना, तो पानी तक नहीं नसीब होने दूंगा आप सबको। सुन रही हो ना सुरभि? किसे सुना रहा है, वो घर पे नहीं है। अब कहाँ चली गई वो बच्चलन औरत? प्रीतो के घर गई है। अरे ससुर जी, आपकी किस्मत तो बड़ी खराब है, मानना पड़ेगा। एक सजेशन दूं आपको, मेरी बात मानिए, अपनी बेटी को डीएनए टेस्ट के लिए तैयार कर लीजिए, वरना आपकी किस्मत आपको वो दिन दिखाएगी जो देखने से बेहतर आप ऊपर जाना पसंद करोगे। मनिंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। माँ, वो सौम्या का कुछ पता चला? हे रब्बा, मैं क्या सुन रही हूँ?
अब मैं बोलूंगी तो बोलना मत कि मैं बोलती हूँ। ऐसे प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है सौम्या के लिए। वही तो, क्या हुआ? सौम्या की भक्त हो गई हो तुम तो। भक्त नहीं चाची जी, पर आपकी तरह ना खुद गर्ज भी नहीं। कम से कम जिसने मेरी जीत की जान बचाई उसकी सलामती के बारे में पूछ तो सकती हूँ ना। ओ अच्छा, हाँ पूरी सहानुभूति होनी चाहिए तेनु ते, क्योंकि तेरे गबरू को बचाया ना उसने, तेरे जीत को। तोड़े सारे दे मिट्टी पै गई, मिट्टी मिट्टी। समझ नहीं आ रही तुम्हें गल? जिस पर बीतती है ना वो समझ सकता है इस बात को। मुझ में बीत रही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। कोई गल नहीं, तुसी सारे की सारा गुरदासपुर भी एक तरफ हो जाए ना, फिर भी मैं उस किन्नर को अपने घर की बहू बनाने को एक्सेप्ट नहीं करांगा। हाँ हरमन। प्रीतो, ये दुनिया बहुत बुरी है। प्रीतो तू रो रहा है? तेरे बेटे की हिम्मत अब टूट रही है। क्या हुआ, कहाँ है तू? तेरा बेटा जहाँ कहीं भी है ना प्रीतो, अब खाली हाथ ही वापस आएगा। मेरी सौम्या नहीं मिली। बताएगा मुझे हुआ क्या है? आंटी जी, वो जो समीर है ना, वो क्या हुआ? क्या कहा हरमन जी ने? हरमन प्लीज रोना बंद करो। अच्छा सोचो, अगर सौम्या को पता चलेगा कि उसके ही बहन जैसे हरमन जी ऐसे रो रहे हैं, उसे कैसा लगेगा? प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूं। माता रानी, अब इम्तिहान लेना बंद कीजिए। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। मैं वादा करता हूँ अब कभी भी सौम्या को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे मेरी सौम्या से मिलवा दीजिए। हरमन हाथ मुंह धोलो और चलो यहां से। जसलीन ने अभी बताया कि वो जो समीर है वो उसी के घर सौम्या रह रही थी। समीर को सब पता था, फिर भी उसने छुपा के रखा। पता नहीं मेरी सोमो पुत्र क्या लिखवा के आई अपने नसीब में। जिंदगी के हर मोड़ पे सिर्फ दुश्मनी मिलती। नसीब तो खराब होगा ही ना नानी जी,
इस घर में ही कितने दुश्मन बैठे हैं सौम्या के, जो चाहते हैं कि बेचारी बाहर भी खुश ना रहे। अरे अंकल, तीनों में पिछले कुछ दिनों से एक चीज कॉमन है, आपकी, अरमन की और समीर की, तीनों की एक नंबर पे बात हुई। और वो नंबर उसी का है जिसने हरमन और जस्सी को कमरे में लॉक कर दिया था। उस वक्त समीर को पता था कि सौम्या कहां है। इसका मतलब है कि आपको भी पता ही होगा कि सौम्या कहां थी। वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये मालूम पड़ गया है कि तू तेरे से बड़ा हैकर कोई नहीं मोतीलाल ने पैदा किया है। ओए, दूसरों के मोबाइल में झांकना गैर कानूनी है, सुन रहे हैं जीत? जब मैनू पता चल जाए ना, मैं उसी वक्त वहीं उसकी जान ले लूंगा। वाहेगुरु जी कसम खा रहे, मैं जिस दिन मैं पता चल जा रहा उठे ही मार दांगा, उन्होंने मैं ढेर कर दांगा। मैं सतनाम श्री वाहेगुरु। ओए गिल, तभी ठीक है तेरी? समीर को जानता था ना तू? और तू ये भी जानता है कि समीर के क्लोज है वो किन्नर। तुझे मैंने किन्नर का काम तमाम करने के पैसे दिए ना, फिर उन्होंने टपकाए क्यों नहीं तू? हड़क सिंह जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो, पिंड में रहने वाले हर बंदे को मैं जानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर में रहने वाले हर इंसान की खबर मैं रखूं। बहस ना कर मेरे नाल, तुझे मैंने बहस करने को पैसे नहीं दिए। अब जान क्या है ना, चल मेरा काम कर, काम कर जल्दी। हाँ जी। एक मिनट, हेलो 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 समीर, हेलो हेलो समीर जी, समीर जी टेप कहाँ है? जसलीन, तुम्हें वो नाम याद है, लकी चाम, जिसके नाम से समीर के फोन पे फोन आया था, वही सौम्या का नंबर है। समीर को वो नंबर पूछते हैं। मेरी जिंदगी में उसके आने से मेरी किस्मत बदल गई, इसलिए मैंने नाम रख दिया आप लकी चाम। वो हमें नंबर देगा, मैं एक काम करती हूँ, जीत से मांगती हूँ। आजसी। हाँ जीत। अच्छा सुन, समीर के फोन पे वो किसी लकी चाम से बात करता है, वो नंबर लिखा से देना प्लीज। लकी चाम, वेट, आई विल चेक। लकी चाम। हरमन जी, आपके घर के हिस्से में एक छोटा सा कोना मिल गया होगा तो मुझे यहाँ से ज्यादा वहां बैठने में सुकून मिलता। हे माता रानी, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे भगवान हरमन जी हैं, मुझे उनका साथ मिल गया होता तो मुझे यूं दर दर भटकना ना पड़ता। लोगों से धोखा नहीं खाती और ना ही इस तरह से लाचार होती। आराम से, आराम से, आराम से। बस 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 बस। आज तो सारे खिलौने बिक गए। अरे समीर बेटा, क्या हुआ? ये सब उसके आप लोग सुबह आ जाइएगा, खिलौने सुबह ले जाइएगा। ठीक
सोमू तू पागल हो गया? अब क्या पूरी दुनिया को बताएगा कि तुझे किन्नर से प्यार हुआ था? उसी के साथ खाते थे हम, पीते थे, बैठते थे। बेटा, सबको पता लगेगा तो कहीं की नहीं रहेंगे हम। जीत ने सौम्या का नंबर भेजा है। माता रानी, हमारी शादीशुदा जिंदगी को कभी किसी की नजर ना लगे। मेरे पति मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करे माता रानी। अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ।